सध्या देशभरात चर्चेत असलेल्या काश्मीर फाईल्स या सिनेमाचं पंतप्रधान मोदींनी आता कौतुक केलंय. आज भाजप संसदीय दलाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी द काश्मीर फाईल्स या चित्रपटावर चर्चा केली. काश्मीर फाईल्स चित्रपटात जे दाखवलंय ते सत्य नेहमीच दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असं मत मोदींनी व्यक्त केलं. सत्य समोर आणण्यासाठी असे आणखी चित्रपट बनवले गेले पाहिजेत. भारत पाकिस्तान फाळणी आणि रशिया युक्रेन युद्धादरम्यान राबवलेल्या ऑपरेशन गंगा या घटनांवरही सिनेमा बनायला हवा अशी इच्छा मोदींनी व्यक्त केली आहे. रशिया युक्रेन युद्धात युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिकांची सुटका कशी झाली हे लोकांसमोर यायला पाहिजे असंही मोदींनी म्हटलंय. तर पंतप्रधान मोदींनी चित्रपटांसंदर्भात नेमकं काय म्हटलेलं आहे ते बघूया. मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है. उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है किसी को दूसरी नजर आएगी. जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है. लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई. और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे. कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश. भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है. कैसे भूल सकता है देश. कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है. भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.